लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ऐरोली में बहुप्रतीक्षित बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। हालांकि 11 सालों से निर्मित हो रहे और अब तक अधूरे पड़े इस स्मारक के लोकार्पण पर सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए एकनाथ शिंदे ने बाबा साहब के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने अम्बेडकर स्मारक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन विसंगतियों के बीच साहस के साथ आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, स्थानीय नेता विजय चौगले, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर समेत तमाम शिवसेना नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक अब आम लोगों के लिए खुल गया है। अरवली सेक्टर 15 में 11 सालों से निर्मित हो रहे और अब तक अधूरे पड़े इस स्मारक के दूसरे चरण का आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों लोकार्पण किया गया। स्थानीय सांसद राजन विचारे, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, विजय चौगले, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर की मौजूदगी में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अम्बेडकर स्मारक के एयर कंडीशन सभागार, मेडिटेशन सेंटर, ई लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो फोटो एग्जीबिशन सेंटर जैसी तमाम नव निर्मित सुविधाओं का उद्घाटन किया। नई मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने स्मारक की सुविधाओं की जानकारी दी। इस पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन और संघर्ष विसंगतियों के बीच साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पालक मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही नवी मुंबई में बाबा साहब की पूर्णाकार प्रतिमा भी लगाई जाएगी। एक हमें सबको एक समाधान है कि आज यहाँ पर कल बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है और लोगों की मांग थी कि 6 दिसंबर से पहले इसके लोकार्पण हो जाए और इसलिए आज सेकंड जो टप्पा है उसका आज लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर एयर कंडीशन हॉल है, ई लाइब्रेरी है, यहाँ पर ऑडियो जो सुविधा है, जो बाबा साहब का पूरा जीवन पट है वो यहाँ पर लोगों को अनुभूति मिलेगी प्रत्यक्ष रूप से। एक होलियोग्राफिक जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है जिसमें होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन में प्रत्यक्ष बाबा साहेब जी का भाषण सुनने को मिलता है। ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का ये स्मारक बन चुका है। यहाँ जो लोग आएंगे निश्चित रूप से ये नवी मुंबई कॉरपोरेशन की वाहवा करेंगे, हमारे लोगों की वाहवा करेंगे। जो तज्ञ कमिटी है, जो ये स्मारक समिति की कमिटी है, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया है, जहाँ जहाँ से दस्तावेज है वहाँ लाए हैं, उनके बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पूरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है उसका प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आयुक्त जी से कहा है कि जहाँ अच्छे लोकेशन देख लो और वहाँ पर ये बड़ी पूर्णाकृति प्रतिमा
उसका निर्माण हो जाए। असल में आम्बेडकर स्मारक का पहली बार 2017 में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आंशिक लोकार्पण किया था और अब 4 साल बाद पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दूसरे चरण का लोकार्पण किया है, जबकि 11 साल बाद भी इसका काम अधूरा है। ऐसे में अधूरे निर्माण के बावजूद हो रहे लोकार्पण पर बीजेपी और पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने दोनों ने सवाल उठाए हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना ने अपना चुनावी फायदा उठाने के लिए अधूरे स्मारक का लोकार्पण कराया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया कि शिवसेना का एजेंडा चुनाव या राजनीति नहीं है, बल्कि विकास है। जनता ने उन्हें विकास के लिए चुन कर दिया है, इसलिए शिवसेना सरकार के जरिए अपना काम करने में जुटी हुई है। शिवसेना चुनाव को देखते हुए कोई काम नहीं करती, पहली बात है। शिवसेना विकास का एजेंडा रख के काम करती है, चुनाव का एजेंडा रख के हम लोग नहीं काम करते। हमारे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब ठाकरे जी ने हमें यह नहीं सिखाया है। हम लोग साल के 12 महीने 365 दिन लोगों की सेवा करते, लोगों का काम करते, चुनाव हो या ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।